press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आप देख रहे हैं न्यूज़ पल चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे श्रीकांत त्यागी को भी बनाया हथियार, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा वार। सत्ता में रहते हुए नोएडा से दूर रहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्वी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को एक कार्यक्रम में गौरतलाब नगर पहुँचे थे। उन्होंने सेक्टर 121 में चौधरी रघुवेंद्र सिंह प्रधान के मूर्ति अनावरण किया है। इस दौरान वह योगी सरकार पर भी जमकर हमलावर हुए और गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने बहाने पर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में चोरी डकैती रूप नहीं रही है, पुलिस के कारण लोगों की जान जा रही है। इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इस बार सरकार में हो रहा है। नोएडा के वायरल वीडियो में माध्यम से सब जान गए कि बीजेपी के चरित्र क्या है। साप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को दोपहर के सफ्ते में नोएडा पहुंचे थे, जिसका रास्ते में विभिन्न स्थानों पर साप और कार्यकर्ताओं के नारेबाजी करते हुए स्वागत किया। वह सबसे पहले गड़ी चौकड़ी गांव के स्थिर नोएडा इंडियन स्टेशन मपिन स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने रघुवर प्रधान के प्रतिमा और अनावर्तन किया। इस दौरान उन्होंने देश की सरकार को जमकर निशाने पर लिया और वह क्षेत्र में हो रहे अपराधों से लेकर ताड़ रहे थे। मेटर में सुगंध बनाकर सरफक्स से यहां पर पहुंची चोरी की घटना का उल्लेखन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि आजकल युवा नाले में रास्ते रोजगार खोज रहे हैं और यहाँ नाले में सुरंग बनाकर सरफक के दुकान को खाली कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने नोएडा के श्रीकांत त्यागी की घटना को लेकर कहा है कि इस घटना में वीडियो बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार और उनके नेताओं का असल चेहरा का उजागर किया है। उन्होंने क्षेत्र के पढ़े लिखे युवकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में नए सदस्य बनाए और वह युवा ऐप के माध्यम से भी साफ के साथ जुड़े सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी के सदस्य की रसदी भी कटवा रहे हैं। युवा के आगे चलकर बदलाव लाएंगे और यह युवा की पार्टी की ताकत है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।